वालेकुम फ्रेंड्स, सुनाइए क्या हाल है। ठीक है, हम भी आपकी दुआ से ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। तो मेरे आए हुए थे लाहौर से मेहमान और वो लोग चले गए हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो मैं बना दूं। तो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। आपको पता है जिस तरह का मौसम आया हुआ है, इसमें हमारी स्किन बहुत खराब हो जाती है, हमारा रंग वगैरह हर चीज डल हो जाती है, ठीक है ना, और डबल टोन का हो जाता है, हर कोई जो मर्जी है ना उसका भी हो जाता है, जो मर्जी भी लगाए। तो फिर उसके लिए केयर तो लाजमी है ना, हमने केयर करनी है, ठीक है ना। और आपको पता है इतना पानी आया हुआ है इलाकों में, अल्लाह रहम करे हम पे, सब भाइयों पे, बहनों पे, हमारे जो हमारे बेचारे जिधर शराब वगैरह आया हुआ है, तो बस अल्लाह रहम कर दे फ्रेंड्स। तो अल्लाह माफ करे हमें भी और उनको भी, और जो ये आफत हमारे मुल्क पे आई हुई है, तो अल्लाह सही कर दे, आमीन। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बनाने लगी हूँ, तो आप देखिए। इधर मैं आलू काट के छिलके उसके काट के, तो ये देखिए मैंने आलू धो के रख लिया और उसके बाद इसके काट लिए मैंने पीस। तो ये देखिए आप लोग, मैंने इसको ग्राइंड कर और जैनब करने लगी इसको ग्राइंड, जो आलू के हमने कर लिए इसका ऐसे बन गया ग्राइंड, जब उसको किया तो ऐसा मिक्सचर बन गया, ठीक है ना। देखिए जी, ये मिक्सचर है हमारा आलू का, ठीक है ना। और अब इसको इन चीजों में ऐड करना वो भी बताते हैं आपको। देखिए इधर मैंने एलोवेरा जो मेरे घर में लगी हुई है उसको मैंने काट के रख लिया, और उसके बाद ये देखिए आप लोग इसको धो ले अच्छी तरह, जब पौधे से उतारे तो उसके बाद इसको धो ले, धो के तो उसको तो ये काट ले दरमियान से, और उसके बाद इसको चम्मच से निकाले। इधर मैंने चम्मच से निकाल के तो रख ली है, आप देखिए दोनों पीस काट के तो उसको अब निकालने लगी मैं एलोवेरा। ये मैंने शीशे का बोल रख ली है, तो अब मैं निकालने लगी हूँ। ये देखिए इधर एलोवेरा मैंने निकाल दिया, ठीक है ना, दोनों पीसों में से। देखें ऐसे आपने निकालनी है, कोशिश करें कि आपकी घर की एलोवेरा हो ना, घर की एलोवेरा अच्छी होती है, बाज़ार की भी ठीक है पर जो अच्छी ओरिजिनल चीज़ है वो घर की पे ही है। तो ये देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया है शीशे के बोल में, और इसको अब मैं थोड़ा पता होती है पता, वो बेचारे बेघर हो गए हुए हैं, उनके घर तबाह हो गए हुए हैं, ठीक है ना, वो बहुत मुश्किल होती है, और बस अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। और अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना, होम रेमेडीज। तो ये देखें, ये है लेमन, ठीक है ना, ये है लेमन, और ये आपके आपको मैंने आगे दिखाया है, ठीक है, छोटे छोटे काट के उसके पीस आलू के, और उसको मैंने किया ग्राइंड, ठीक है ना। और ये इसका देखिए ऐसा मिक्सचर बन गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये एलोवेरा, ये देखिए एलोवेरा है, तो उसको किया हमने। तो ये विटामिन ई कैप्सूल जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, आपको पता है बहुत अच्छा होता है, अगर हम बालों में भी लगाएंगे तो हमारे बाल भी इससे अच्छे हो जाते हैं। हमारे मैं पहले लगाती थी हर चीज, अब पता है आपको टाइम हमारे पास, मेरे पास बड़ा मुश्किल होता है, सारा दिन इंसान बिजी होता है, समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना, तो पता है इंसान ड्यूटी दे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, ये चीजें लगाना, ये चीजें करना, फिर भी हम मैं करती हूँ, ठीक है, कभी कभी कर लेती हूँ। बालों की जरा आजकल मैंने केयर छोड़ी हुई है। तो ये देखिए, ये विटामिन ई का कैप्सूल, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या यूज हम लोगों ने करना है और कैसे करना है। यह था फ्रेंड्स एक आलू, ठीक है ना, ये हमने लिया एक आलू, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये लेमन मैंने काट के रख लिया है, ठीक है ना, इसका हम निकालेंगे जूस लेमन का। और ये एलोवेरा, घर की एलोवेरा फ्रेंड्स, अगर बाजार की भी हो तो कोई बाहर नहीं है, पर हालिस एलोवेरा होनी चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए भी, और हमारे फिर वो ही कहने लगे हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है इससे ना, इससे हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारी स्किन के दाग धब्बे जो भी है ना वो बेहतर कर देती है, और हमारी स्किन पे ग्लो आता है। और आलू से भी हमारी स्किन की छाइयां जो हमारे होती हैं पिंपल्स वगैरह के, जो दाग जो डल हो गई होती है, ठीक है ना, डबल टोन हो गई होती है ना, ये उसके लिए ये अगर हमें हल्के वगैरह पड़े हुए, ठीक है ना, उस पर भी हम इर्द गिर्द आलू लगाएं तो उसके लिए भी काफी अच्छा होता है, और स्किन पे किसी भी तरह का कोई भी इश्यू हो ना उसके लिए भी अच्छी है, अच्छा है आलू, ठीक है ना। अब आप लोगों को बताती हूँ ये मिक्स करके, मैंने अब आपको डिटेल दे दी है पूरी, ये मिक्स करने लगी हूँ अभी मैं। ये आलू है, ठीक है ना, एक अदर आलू छोटे वाला, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोगों ने लेना। उसके अंदर मैं ये लेमन ऐड कर रही हूँ, ठीक है ना, ये एक लेमन पूरा तकरीबन एक चम्मच बनता है, ये देखिए एक चम्मच लेमन इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद ये एलोवेरा जो मैंने निकाल कर रखी हुई थी पौधे से उतार के, ठीक है ना, ये इसके अंदर हम लोग ऐड करने लगे हैं। ऐड कर दिया है, ठीक है ना, अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स।
जब ये अच्छे तरीके से हमारी, ये हमारी ना नाइट क्रीम भी बन जाती है। अगर आप चाहें तो इसको 15 मिनट लगा ले, अगर आप चाहें तो इसको सारी रात लगा के सुबह इसको मुंह धो सकते ठंडे पानी से, नॉर्मल जो पानी होता है उससे ज्यादा ठंडा भी, और फ्रिज वाला पानी भी आप लोगों ने ले लेना फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैं कह रही ठंडा तो वो, अब देखिए इसको मैं मिक्स करी जा रही हूँ। तकरीबन आप इसको सेव कर सकते हैं हफ्ते के लिए, ठीक है, 7-8 दिन के लिए, इससे ज्यादा आप लोग इसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आप इसको यूज करें और यूज करके मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको इसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। और ये देखिए ये हो जाती है तकरीबन इस तरह की, ये इसका टेक्स्चर है, ठीक है ना। ये मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको बताती हूँ। ये देखिए ये तकरीबन ऐसी होगी, ये देखो इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये नहीं हम कहते कि आप दो दफा लगाएं और आपको रिजल्ट आ जाएगा, ये एक दफा लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा, ये झूठी बातें होती हैं, ठीक है ना। कम से कम आप इसको 5-6 दिन या 8 दिन तो यूज करें ना, जब जब आप इसको यूज करते जाएंगे रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है ना। इतनी महंगी हम क्रीमें, इतनी महंगी ये चीजें लगाते हैं, ये घर की बनी हुई चीज लगा के देखिए आप लोग कि आपकी छाइयां वगैरह जो भी आपको इश्यू है किसी भी तरह का स्किन के ऊपर ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है आलू तो लेमन वगैरह ये एलोवेरा वगैरह वैसे भी बड़ी अच्छी होती है, उसके अंदर हमने डाला था विटामिन ई का कैप्सूल। और ये लगा ले, अगर आप कह रहे हैं कि सारी रात हम नहीं लगा सकते इसको ना, तो आप इसको 15 मिनट या 20 मिनट रख के इसको वॉश कर ले, तकरीबन आप डेली करें 7-8 दिन करें, रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा फ्रेंड। हमारी होगी ये क्रीम रेडी, इसको हम क्रीम बोलेंगे, ठीक है ना। हम इसको किसी जार में, शीशे का कोई भी छोटा सा बोल जो इसके ऊपर ढक्कन हो, ठीक है ना, ऐसे नहीं हमने रखना, इसको खुला नहीं रखना, जिसके ऊपर ढक्कन वगैरह हो उसके अंदर इसको सेव कर ले। तो इसको तकरीबन आप 7-8 दिन तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको यूज नहीं करेंगे, फिर नहीं बनाएंगे आप अपने लिए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।